भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड इस धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशलैन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का पहला भाग है। और इस पहले भाग में हमने पिछली कड़ी में ये बात देखी कि भिक्खु संघ की विशेषता को समझाते हुए तथागत कहते हैं कि भिक्खु संघ एक ऐसा संघ है कि जिसमें भिक्षुओं का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी समुद्र में नदियां जब गिर जाती है तो नदियों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। नदियां तब तक ही होती है जब तक वो समुद्र में गिरने से पहले अपना नाम लेकर चलती है, उससे पहले उसका नाम होता है, लेकिन जैसे ही समुद्र में गिर जाती है तब उसका अपना कोई नाम नहीं होता, अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं होती, अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही भिक्षु जब भिक्षु संघ का हिस्सा बन जाता है तब वो सिर्फ भिक्षुओं का समूह कहलाता है, वो भिक्खु संघ कहलाता है, वो अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व उसका नहीं रह जाता। और यही संकल्पना के साथ भिक्षु संघ आगे बढ़ता है। बाबा साहेब इसी में आगे लिखते हैं कि बस यही हाल है संघ का। जब एक भिक्षु संघ में प्रवेश करता है तो वह समुद्र के जल की तरह अन्य सबके साथ मिलकर एक हो जाता है, फिर उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। तथागत ने कहा है कि ना तो भिक्षु की कोई पृथक जाति रह होती है, ना ही उसकी कोई पृथक हैसियत रहती है। ना तो कोई उसकी अलग से जाति और ना ही कोई उसका अलग से अस्तित्व, उसकी हैसियत, उसकी पहचान, उसकी प्रतिष्ठा, ऐसा कुछ भी नहीं। संघ के अंदर यदि कोई वर्गीकरण था तो पुरुष और स्त्री की दृष्टि से था। भिक्षु संघ पृथक था और भिक्षुणी संगठन पृथक। ये व्यवस्था भी तथागत बुद्ध ने अपने इस धम्म प्रचार की व्यवस्था में जो बनाई तो ये भी एक बड़ी विशिष्ट व्यवस्था है। अगर हम भिक्षु संघ में देखें तो बस एक ही वर्गीकरण दिखता है, एक तो भिक्षुणियों का और दूसरा भिक्षुओं का। तो भिक्षुणियों का एक स्वतंत्र संगठन और भिक्षुओं का एक स्वतंत्र संगठन। ऐसा नहीं कि भिक्षुणी और भिक्षुओं का एक ही संगठन, ऐसा नहीं, दोनों का स्वतंत्र संगठन। और संघ में प्रवेश पाने वाले के दो वर्ग होते थे, एक श्रामणेर और दूसरा भिक्षु। अब ये एक आंतरिक व्यवस्था हुआ करती थी कि जो संघ में प्रवेश लेते थे भिक्षु संघ में, यानी कि जो परिव्राजक बन जाते थे, गृह त्यागी हो जाते थे, केश वपन कर, चिवर धारण कर, भिक्षा पात्र लेकर जो भिक्षु संघ का हिस्सा बन जाते थे, उनमें दो हिस्से हुआ करते थे, एक तो श्रामणेर और दूसरा भिक्षु। 20 वर्ष की कम आयु रहने पर कोई भी श्रामणेर बन सकता था। उस वक्त का यह नियम था कि 20 वर्ष से कम जिसकी आयु है वो श्रामणेर बन सकता था। त्रिशरण तथा 10 शीलों को ग्रहण करने से कोई भी बालक श्रामणेर बन सकता था। श्रामणेर की जो दीक्षा है उस दीक्षा का ये विशेष विधि है जिसमें उसे त्रिशरण ग्रहण करनी है। त्रिशरण का मतलब हुआ बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों का शरण ग्रहण करना, इनको अनुसरण करना और 10 शीलों को ग्रहण करना। 10 शील, 10 ऐसे व्रत, 10 ऐसे नियम कि जिन नियमों को अपने जीवन में यापन करने के लिए संकल्पित हो जाना। मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूं, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूं तथा मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूं। ये ही तीन शरण है। और जो 10 शील है उसमें है कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहूंगा,
मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं अब्रह्मचर्य से विरत रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नशीले पेय पदार्थों से विरत रहूंगा, मैं विकाल भोजन से विरत रहूंगा, नाचना गाना बजाना आदि से विरत रहूंगा और अपने आप को सजाने तथा अलंकृत करने से विरत रहूंगा। मैं ऊंची महान शैयाओं यानी कि वो जो ऐशो आराम वाली जो जिंदगी होती है उससे मैं विरत रहूंगा और मैं जात रूप रजत यानी कि सोने चांदी का ग्रहण करने से विरत रहूंगा। तो ये बिल्कुल सादा जीवन बिताने वाले व्रत है कि जिसमें बिल्कुल सीधा सादा जीवन बिताने के लिए लोग संकल्पित होते हैं, वही श्रामनेर हो जाते हैं जब वे केश वपन करते हैं और चिवर धारण कर लेते हैं। तो ये श्रामनेर के लिए ये 10 शील है। एक श्रामनेर जब चाहे संग छोड़कर गृहस्थ वेश धारण कर सकता है, तथागत बुद्ध के पास ऐसा कोई बंधन नहीं। एक श्रामनेर जब चाहे, उसे जब लगता है कि वो परिव्राजक जीवन में या फिर गृहत्यागी जीवन में या फिर सन्यस्त जीवन में नहीं रहना चाहता है तो इससे बाहर निकल सकता है और गृहस्थ वेश धारण कर सकता है। एक श्रामनेर एक भिक्षु से बंधा रहता है। श्रामनेर क्योंकि ये प्रशिक्षार्थी होते हैं तो ये एक भिक्षु से बंधे हुए होते हैं, एक भिक्षु के प्रभाव में रहते हैं और भिक्षु के मार्गदर्शन में ही अपना कार्य करते हैं और उसका अधिकांश समय उसी की सेवा में खर्च होता है। श्रामनेर जो होता है उसका अधिकांश समय भिक्षु की सेवा में खर्च होता है। वह एक प्रकार से प्रव्रजित नहीं ही माना जाता। बाबा साहब लिखते हैं कि ये जो श्रामनेर होता है इसे एक प्रकार से प्रव्रजित नहीं ही माना जाता क्योंकि इसका अधिकांश समय ये अपने आचार्य की यानी अपने भिक्षु की सेवा में चला जाता है और फिर बाकी समय उसका शिक्षा दीक्षा में चला जाता है। तो ऐसे में इसे प्रव्रजित नहीं माना जाता। 2 अवस्थाओं में से गुजरने से आदमी भिक्षु पद का अधिकारी बनता है। 2 स्थितियां हैं, मतलब जिसको हम कहें कि इसे अवस्था मान लिया जाए। इन अवस्थाओं से जब कोई व्यक्ति गुजरता है, जिसने गृहत्यागी होने का निर्णय लिया है, वो जब इन 2 अवस्थाओं से गुजरता है तब कहीं वो भिक्षु पद का अधिकारी बनता है। तो इसमें पहली अवस्था है प्रव्रज्ञा और दूसरी अवस्था है उपसंपदा, और उपसंपन्न होने पर ही कोई भी भिक्षु बन सकता है। उपसंपन्न होने से पहले कोई भिक्षु नहीं कहलाता, वो सिर्फ श्रामनेर होता है। भले ही उसने चिवर धारण कर लिया हो या फिर उसने केश वपन कर लिए हो, हाथ में भिक्षा पात्र धारण कर लिया हो और अपने जीवन को संयमित बनाने के संकल्प से वो आगे बढ़ रहा हो, तब भी उपसंपन्न नहीं हुआ है, उपसंपदा नहीं हुई है तो उसे भिक्षु नहीं माना जाता। आगे लिखते हैं बाबा साहब की जो प्रार्थी आगे चलकर भिक्षु बनने के उद्देश्य से प्रव्रज्ञा ग्रहण करना चाहता है उसे एक उपाध्याय की खोज करनी पड़ती है। देखिए, जो प्रार्थी आगे चलकर यानी कि श्रामनेर जीवन को यापन करते 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 जब वो आगे बढ़ता है तब ये प्रार्थी, क्योंकि ये अभी प्रार्थी है, अभी भिक्षु जीवन का अभ्यास कर रहा है, अभी भिक्षु नहीं हुआ है क्योंकि इसकी उपसंपदा नहीं हुई, तो भिक्षु बनने के उद्देश्य से प्रव्रज्ञा ग्रहण करना चाहता है उसे एक उपाध्याय की खोज करनी पड़ती है, यानी कि अपने लिए एक भिक्षु आचार्य को ढूंढना होता है। उपाध्याय की खोज करनी पड़ती है और कम से कम 10 वर्ष तक जो भिक्षु रहा हो वो ही उपाध्याय हो सकता है। ये विनय का हिस्सा है कि जो कोई 10 साल तक भिक्षु रहा है वो ही किसी को भिक्षु जीवन में आने के लिए दीक्षा दे सकता है यानी कि उसकी उपसंपदा करा सकता है। इस प्रकार का प्रार्थी यदि उपाध्याय के द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो तो परिव्राजक कहलाता है और उसे उपाध्याय की सेवा करते हुए उसी के संरक्षण में रहना पड़ता है। अब इसने उपाध्याय को ढूंढ लिया, अब इसके पास इसकी शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम चलता रहता है। ऐसा नहीं कि अब किसी उपाध्याय की खोज कर ली मतलब वे भिक्षु बन गए,
नहीं, ऐसा नहीं होता। उनकी शिक्षा होती है प्रशिक्षण, और ये शिक्षा दीक्षा जब चलती है और इस शिक्षा दीक्षा में जब वे खड़े उतरते हैं तब कहीं उपसंपदा पर बात चलती है। अब शिक्षण काल समाप्त होने पर उपाध्याय को ही अपने परिव्राजक का नाम संघ के सामने प्रस्तावित करना पड़ता है। शिक्षण काल समाप्त होने के बाद उपाध्याय को ही अपने परिव्राजक का नाम संघ के सामने प्रस्तावित करना पड़ता है। जो शिक्षक, जो आचार्य, जो उपाध्याय इस परिव्राजक को शिक्षा दीक्षा देता है, इसी को इसका नाम संघ के सामने उपस्थित करना पड़ता है, प्रस्तावित करना पड़ता है। फिर संघ की विशेष बैठक होती है, किसी को उपसंपन्न करने के लिए जो बैठक बुलाई जाती है, और फिर उपसंपदा के लिए उपसंपदा पिक्षी को स्वयं संघ से प्रार्थना करनी पड़ती है। और फिर ये जो उपसंपदा के लिए जो परिव्राजक जाता है तो ये परिव्राजक संघ से फिर याचना करता है कि वो भिक्षु संघ में प्रवेश करना चाहता है। संघ पहले इस विषय में अपना संतोष कर लेता है कि प्रार्थी योग्य व्यक्ति है। संघ भी उसे भिक्षु तब तक नहीं बनाता, तब तक उसको दीक्षा नहीं देता जब तक वो इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो जाता, संतुष्ट नहीं हो जाता कि प्रार्थी जो है वो इसके लिए योग्य है या नहीं, और भिक्षु बनने का अधिकारी है भी या नहीं। इसके लिए कुछ निश्चित प्रश्न है जिनका प्रार्थी को उत्तर देना पड़ता है, और ये प्रश्नों के जब वो उत्तर देता है, सारे भिक्षुओं की टीम, उनका पूरा समूह, उनके भिक्षु संघ के जो जितने सीनियर भिक्षु होते हैं वे सब इकट्ठा बैठते हैं, और फिर ये जो याचक है जो भिक्षु बनना चाहता है ये उनके सामने खड़ा होता है और उनसे पूछता है, उनसे जब याचना करता है तो पूरा वो संघ इस प्रार्थी से पूछता है कुछ प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर वो सही देता है तो फिर संघ की अनुमति देने पर ही उसे उपसंपदा मिलती है और वो भिक्षु बनता है। भिक्षुणी संघ में भी प्रवेश पाने के नियम कुछ ही वैसे ही है जो भिक्षु संघ में प्रवेश पाने के नियम है। भिक्षुणी संघ में भी प्रवेश पाने के लिए लगभग ये ही नियम है, और इसी प्रक्रिया से गुजरने पर भिक्षुणियां भी भिक्षुणी संघ में प्रवेश करती है, और इसी तरह संघ में प्रवेश पाना ये कोई सीधा साधा काम नहीं है, लेकिन जो संकल्पित है वो निश्चित रूप से भिक्षु बन सकता है, लेकिन प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजरने के बाद। ऐसे नहीं कि केश वपन कर लिए, चिवर ले लिए, भिक्षा पात्र रख लिए और भिक्षु बन गए, ऐसा नहीं होता। बाबा साहेब ने इस पूरी प्रक्रिया को संघ के विनय की जो परिपाठी रही है उसके आधार पर लिखे हैं। तो यहां हम लोग रुकेंगे, अगले अध्याय से आपको जोड़ेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।